हाय गाइस, दिस इज सिद्धार्थ। लास्ट टाइम हमने 4 सेशंस में बहुत कुछ लर्न किया था एक्सेल के बारे में। बेसिक्स ऑफ एक्सेल में ऑलमोस्ट कवर अप कर लिया है, जैसे कि हमने फर्स्ट सेशन में कवर किया था मार्कशीट कैसे बनाते हैं, और मार्कशीट्स के साथ हमने बहुत सारे फॉर्मूलाज देखे, सम निकालना, एवरेज निकालना, टोटल मैक्सिमम फाइंड आउट करना, मिनिमम फाइंड आउट करना, ठीक है, काउंट करना, ग्रेड निकालना, रिजल्ट निकालना, बहुत कुछ हमने कैलकुलेशन किया था और कुछ बेसिक फॉर्मेटिंग्स भी हमने क्लियर की। फिर उसके नेक्स्ट सेशन में हमने कुछ परचेज सीट्स है, सेल सीट्स है, वो हमने कवर किया, और कुछ बेसिक और एडवांस फॉर्मेटिंग्स है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग्स है, डेटा फॉर्मेटिंग्स है, न्यू रो एंड कॉलम को इंसर्ट करना, टेबल्स को फॉर्मेट करना, पर्टिकुलर सेल्स को फॉर्मेट करना, और डेटा फिल और डेटा को क्लियर करना, ये सब हमने लर्न किया था। देन हमने उसके नेक्स्ट सीट्स है जिसके हमने एडवांस फिल्टरिंग्स लर्न किया था, ग्राफ्स एंड चार्ट्स है, और हमने और हमारा कुछ परचेज सीट्स सॉरी हमारा कुछ अटेंडेंस सीट है, सैलरी सीट है, वो हमने कवर अप किया था। तो ये हमने बेसिकली लर्न किया था लास्ट कुछ 4 सेशंस में। अगर आपने नहीं देखे हैं तो 4 सेशंस आप अटेंड कर लीजिए, देन फिर ये कुछ एक्सेल का हम और एडवांस पार्ट यहाँ पे कवर अप कर रहे हैं, देन आप इसमें ज्वाइन हो जाइए। आज हम कुछ डेटा रिलेटेड प्रोसेस करते हैं कि डेटा को किस तरह से हम मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं डेटा एंट्रिंग के लिए, और क्या डेटा सही है गलत है वो हम किस तरह से देख सकते हैं। ये देखिए आपके सामने एक स्टूडेंट सीट बनी हुई है, बहुत बेसिक मैंने कुछ डेटा बनाया, रोल नंबर है, स्टूडेंट्स के नेम है, देन उसके इनिशियल लेटर्स है, देन उसके लास्ट नेम है, बॉय है कि गर्ल है, स्ट्रीम कौन कौन सी है, 3 स्ट्रीम बेसिकली हमने लिए, आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस, एंड उसके परसेंटेज जो उसके 10th में स्टूडेंट्स ने अचीव किए हैं, ठीक है। सो अब हमें मुझे बेसिकली ये चाहिए कि यहाँ जो मिडिल नेम है इट शुड बी ऑफ ओनली वन कैरेक्टर, यहाँ वन कैरेक्टर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मुझे मिडिल नेम फुल नेम नहीं चाहिए, राइट। तो यहाँ मुझे वन नेम चाहिए, बट मैं यहाँ कुछ भी अगर एंटर करता हूँ तो मोर देन वन लेटर्स यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगा और मुझे नहीं चाहिए। सो हम क्या कर सकते हैं, जो पार्ट को मुझे वैलिडेट करना है और उसको पर्टिकुलर को मैं सिलेक्ट करूंगा, और यहाँ पे हम डेटा मेनू में जाएंगे और यहाँ पे डेटा वैलिडेशन आपके सामने ऑप्शन है, यहाँ पे हमने डेटा वैलिडेशन पे क्लिक किया। सो यहाँ पे डेटा वैलिडेशन में दिखा रहा है कि आप क्या करोगे, आप स्टॉप कर दोगे डेटा को, क्या स्टॉप करोगे, अगर कोई भी मिस्टेक होती है तो आप डेटा को सॉरी। सबसे पहले हम सेटिंग्स में जाते हैं, सेटिंग्स में पूछ रहे हैं अलाउ, क्या अलाउ करना है, तो मैं यहाँ बोल देता हूँ जो मेरा टेक्स्ट है, बिकॉज यहाँ पे हम कुछ लेटर्स लिख रहे हैं, इनिशियल लेटर्स लिख रहे हैं, सो आई कैन राइट कि यहाँ जो भी मेरा टेक्स्ट है उसकी लेंथ क्या होनी चाहिए, सो उसका डेटा क्या होना चाहिए, उसका डेटा मैं बोलता हूँ एक्जैक्टली इक्वल टू होना चाहिए, क्या इक्वल टू होना चाहिए, उसकी लेंथ कितनी लेंथ होनी चाहिए, तो मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। सो इट मीन्स क्या हुआ कि यहाँ पे वन से ज्यादा डेटा वो एंटर होने के लिए अलाउ नहीं करेगा, और यहाँ पे मैंने इग्नोर ब्लैंक को टेकआउट किया है, मीन्स अगर आप नहीं भी लेटर डालते हो तो भी वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा, बट एक से ज्यादा वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। देन है आपका इनपुट मैसेज, इनपुट मैसेज में ऐसा है कि इन केस यूजर अगर मिस्टेक करता है और कुछ गलत एंट्री करता है तो यहाँ पे हम उसको वार्निंग दे सकते हैं, वार्निंग Enter initial letter only. So, जैसे ही वो वहां पे कुछ भी क्लिक करेगा और डेटा इंसर्ट करने जाएगा तो यहाँ पे उसको एक वार्निंग दिखाएगा एज अ टाइटल वार्निंग, और बाद में एज अ टाइटल वार्निंग, और देन उसका इनिशियल लेटर्स और इसके बाद भी अगर यूजर मिस्टेक करता है तो एरर में हम स्टाइल में यहाँ पे हमने स्टॉप ले लिया और यहाँ टाइटल दे देते हैं एरर, और मैसेज में लिख देते हैं देयर इज सम एरर इन मिडिल, ओके, और देन ओके। सो ये मैंने यहाँ पे वैलिडेशन दे दिया, आप देख सकते हैं यहाँ पे वार्निंग एंटर इनिशियल ओनली आ रहा है, जब भी हम यहाँ पे क्लिक करेंगे हमें वार्निंग दिखाएगा, और कोई कॉलम पे क्लिक करेंगे तो वार्निंग नहीं दिखाएगा। सो अब सपोज मैं यहाँ पे सिद्धार्थ एस सेठिया है तो मैं एस की जगह यहाँ पे क्यू एंटर करता हूँ, क्यू एंटर करता हूँ, कोई इशू नहीं है, वो चेंज हो जाएगा, बट यहाँ पे जो अनस्वर एम है तो एम की जगह मैं सपोज डब्ल्यू डब्ल्यू एंटर करता हूँ, सो वो यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करेगा, बिकॉज हमने वहां पे देखे रखा है कि आप सिर्फ वन लेटर ही साइज आप एंटर कर सकते हैं, लेंथ इक्वल टू वन मैंने वहां पे एज अ डेटा वैलिडेशन में सेट किया है। अगर मैं रिट्राई करता हूं तो देन री अगेन मुझे डेटा एंटर करने के लिए बोलेगा और एंटर करूंगा, अगेन रॉन्ग है, रॉन्ग आएगा,
और कैंसिल करता हूँ तो जो ओरिजिनल डेटा है या ब्लैंक डेटा है वहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो ये बहुत सिंपल था कि हम अगर मिस्टेक करते हैं, ठीक है, जो ह्यूमन एरर होती है, और वो मिस्टेक को मिनिमाइज करने के लिए, मिस्टेक्स को मिनिमाइज करने के लिए हम इस तरह के वैलिडेशंस कर सकते हैं। सो मिस्टेक्स हमारी सीट्स में कम से कम हो जाए। देन अब मुझे यहाँ पे ये चाहिए कि मेरी जो स्टीम है, मेरे पास बहुत स्टूडेंट्स हैं, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं पूरे स्कूल में, और अब मुझे यहाँ पे चाहिए कि सबकी मुझे स्टीम सेंटर करनी। और स्टीम्स में ऐसा है कि मेरे पास स्कूल में तीन ही स्ट्रीम्स है, कॉमर्स है, आर्ट्स है एंड साइंस है। सो आई डोंट वॉन्ट कि मैं अगेन सेम स्पेलिंग टाइप करूँ, कट करना पड़ेगा मुझे शायद। देन अगेन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मैं अगेन सेम स्ट्रीम टाइप करूँ। सो व्हाट विल आई डू, मैं स्ट्रीम का एक अलग से सीट लेता हूँ, सीट टू, इसका मैं रीनेम कर देता हूँ यहाँ पे स्ट्रीम, और यहाँ पे मैं स्ट्रीम्स के नाम लिख देता हूँ, आर्ट्स साइंस और कॉमर्स। सो मैंने यहाँ पे तीन स्ट्रीम्स यहाँ पे टाइप कर दिया, और यहाँ पे इसको मैं तीनों कॉलम को सिलेक्ट करके, और आइदर मैं यहाँ पे इसको नेम दे सकता हूँ STRAAM स्ट्रीम। सो इसका तीनों कॉलम का एक लिस्ट बन गया और इसका नेम हो गया स्ट्रीम। सो अब मैं यहाँ पे वैलिडेशंस में जाके ये जो डेटा है इसको मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ जो स्ट्रीम्स है वो मैं डेटा वैलिडेशन सेटिंग्स, और यहाँ पे मैं एनी वैल्यू की जगह सिलेक्ट करता हूँ लिस्ट। मुझे लिस्ट ऑफ डेटा चाहिए और उनमें से मैं सिलेक्ट करूंगा कि मेरी कौन सी स्ट्रीम है और वो लिस्ट कहाँ पे है। तो लिस्ट का मैंने नाम क्या दिया था, इक्वल्स टू आपको एंटर करना है देन STRAAM। ओके, सो ये देखिए यहाँ पे कैरो आ गया, और जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके स्ट्रीम्स के नेम आ गए। सेम वे से आप सब में अप्लाई कर सकते हो। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, यही चीज वापस रिपीट कर रहा हूँ, एक बार आप और देख लीजिए, अगर कुछ भी कंफ्यूजन है तो। इस टाइम मैंने सारे सेल सिलेक्ट कर लिए, डेटा वैलिडेशन एनी वैल्यू, उसकी जगह हम सिलेक्ट करते हैं लिस्ट, आई वॉन्ट अ लिस्ट, क्या लिस्ट चाहिए सोर्स में, लिस्ट में कुछ ओके। सो यहाँ पे सभी स्ट्रीम्स के, यहाँ साइंस हो गया, कॉमर्स हो गया, जिनसन कॉमर्स हो गया, आर्यन साइंस हो गया, देन हम सभी स्ट्रीम्स को वन बाय वन सिलेक्ट कर सकते हैं। इसका ये बेनिफिट है कि आपके कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक्स है वो आपके नहीं होंगे, बिकॉज काफ़ी बार ऐसा होता है हम साइंस के स्पेलिंग में SCI लिख देते हैं, कोई पूरा साइंस लिख देता है, कॉमर्स के लिए COMM लिख देते हैं, कोई COMM PRSE, सब डिफरेंट डिफरेंट स्पेलिंग्स होने से जब हम डेटा फिल्टरिंग करते हैं, प्रोसेस करते हैं, सर्च करते हैं, तो डेटा हमें नहीं मिलता है, और जो करेक्ट हमें जो रिजल्ट और रिपोर्ट चाहिए वो हमें नहीं मिलती। तो बेटर है, आपके पता है कि फिक्स ही डेटा है, तो देन आप ये वैलिडेशन यूज कर सकते हैं। सेम आप यहाँ पे गर्ल्स एंड बॉय में भी कर सकते हैं कि आप एक अलग से यहाँ पे लिस्ट बना के गर्ल एंड बॉय का जनाब सिलेक्ट कर सकते हैं, बट ये आप खुद से ट्राई कीजिएगा, जो भी है तो आपको क्लियर हो जाएगा किस तरह से बनाना। ये जो सीट्स है वो मैं आपको लिंक पे शेयर कर दूंगा, तो आप उस सीट को भी देख के जो भी डाउट्स है वो आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने स्ट्रीम का देखा किस तरह से हम पर्टिकुलर लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, और भी डेटा वैलिडेशन में और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, हम वन बाय वन ऑप्शंस को क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे एक है एनी वैल्यू, वो नॉर्मली अपना रहता ही है कि कोई भी वैल्यू आप एंटर कर सकते हैं, पर सेकंड है यहाँ पे होल नंबर। होल नंबर मीन्स क्या हुआ, क्या पर्टिकुलर, जैसे कि मेरे मार्क्स है तो ये जो मार्क्स है इसको मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, और यहाँ पे मैं दे सकता हूँ कि मुझे होल नंबर चाहिए, वो भी कौन से चाहिए, बिटवीन 1 to 100। तो यहाँ क्या होगा कि यूजर जब भी डेटा एंटर करेगा तो वो डेटा सिर्फ 1 to 100 के बीच में ही एंटर होने देगा, और इसके अलावा अगर वो कुछ भी एंटर करेगा तो एक्सेप्ट नहीं करेगा।
हम एक एग्जांपल ट्राई करते हैं। मैंने सिलेक्ट कर लिया, मैं डेटा वैलिडेशंस में गया, यहाँ पे मैंने ले लिया होल नंबर, होल नंबर में बिटवीन 1 to 100। सो यहाँ पे भी मैं इनपुट मैसेज और एरर इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ, बट फिलहाल मैं नहीं दे रहा हूँ, तो कैसा रिजल्ट आएगा हम देख लेते हैं। नाउ अब अगर यूजर कुछ भी एंटर करता है, सपोज मैंने 123 एंटर किया, दैट इज मोर देन 100। सो यहाँ पे ये एक प्री डिफाइंड जो एक्सेल के जो एरर्स है वो दिखाएगा, द वैल्यू एंटर्ड इज नॉट वैलिड एंड यूजर रिस्ट्रिक्टेड द वैल्यू टू एंटर दिस सेल। ट्राई करेंगे तो री एंटर करने के लिए बोलेगा। अगर हम उस रेंज में डेटा डाल देते हैं तो कोई इशू नहीं है, अदरवाइज वहां पर वो एरर शो कर देगा। नेक्स्ट फिर आपका है और भी है डेटा वैलिडेशंस में, इट इज आपका डेसिमल, इट इज पॉइंट में जो चाहिए। लिस्ट हमने देख लिया, डेट एंड टाइम के लिए अगर चाहिए कि हमें क्या फॉर्मेट चाहिए तो वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं। टाइम के लिए सेम है, टेक्स्ट लेंथ हमने यहाँ पे देखा इनिशियल लेटर्स के लिए, और कस्टम भी है जिसके अंदर हम अपने हिसाब से फॉर्मूला पुटअप करके उसको अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा डेटा वैलिडेशंस था। और काफी बार ऐसा होता है कि हम पूरी सीट क्रिएट कर लेते हैं, देन हमें रियलाइज होता है कि यहाँ पे कुछ मिस्टेक भी हो सकती है, और मिस्टेक्स क्या हो सकती है और कहाँ कहाँ हो सकती है वो हमें वेरीफाई करनी है। तो हम पूरी सीट बनाने के बाद भी अगर वैलिडेशन देते हैं, सपोज मेरी ये सीट है और इसमें मुझे वैलिडेशन ये देना है कि ओके नहीं, ठीक है, सपोज मेरी सीट है और यहाँ पे मैंने बाय मिस्टेक यहाँ पे नंबर डाल दिया 134 एंड ओके, सो वैलिडेशन है। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये बेसिक वैलिडेशन को रिमूव कर देता हूँ, डेटा वैलिडेशन और क्लियर वैलिडेशन, सॉरी डेटा वैलिडेशन एंड क्लियर वन। सो यहाँ से जो भी वैलिडेशन है सब निकल गया। अब मैं यहाँ पे कुछ डेटा चेंज कर देता हूँ, सपोज मैंने कुछ रॉन्ग वैल्यूज एंटर कर दी और अब मुझे चेक करना है कि डेटा मार्क्स एंड परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स शुड बी बिटवीन 1 to 100। सो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया और डेटा वैलिडेशन रखा और यहाँ पे मैंने दे दिया इट शुड बी होल नंबर एंड इट शुड बी बिटवीन 1 to 100। सो ये डेटा ऑलरेडी एंटर्ड है और मैं यहाँ पे वैलिडेशन रखूंगा तो वो उसको इम्पैक्ट नहीं करेगा। सिर्फ आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ एरर का यहाँ पे उसने सिंबल दे दिया जो बता रहा है कि आपको वैलिडेशन से डिफरेंट है, बट ये इतना क्लियरली विजिबल नहीं है। सो हम एक काम कर सकते हैं, नीचे ऑप्शन है सर्कल इनवैलिड डेटा। सो ये पहले से अगर डेटा एंटर्ड है देन आप वैलिडेशन देते हैं तो सर्कल इनवैलिड डेटा क्या करेगा, जो भी डेटा आपके क्राइटेरिया रेंज में नहीं आता है उस पर्टिकुलर डेटा को वो सर्कल कर देगा। सो इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपकी जो रेंज और क्राइटेरिया है और आपने जो डेटा एंटर्ड किए हैं उसमें से ये जो पर्टिकुलर दो डेटा है ये कहीं ना कहीं कुछ रॉन्ग एंटर्ड डेटा है। सो अगर हमें इसको रिमूव करना है सो वी कैन क्लियर द वैलिडेट सर्कल्स, निकल सकता है, और पूरा वैलिडेशन ही निकालना है तो डेटा वैलिडेशन में जाके आप क्लियर ऑल कर सकते हैं और ये पूरा वैलिडेशन निकल जाएगा। मैं यहाँ पे अप्लाई नहीं कर रहा हूँ और वैलिडेशन एज इट इज एप्लीकेबल। सो ये हमने कुछ वैलिडेशन के फंक्शनलिटीज देखी, होल नंबर, लिस्ट, कस्टम वैलिडेशन, रेंज ऑफ वैलिडेशन, बहुत सारा ऐसा है कि आप डेटा को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं अगर इन केस डेटा एंट्री में कुछ मिस्टेक्स होने के चांसेस हो या कुछ मिस्टेक्स हो गई हो तो उसको चेकआउट करने के लिए भी डेटा वैलिडेशन बहुत हेल्पफुल है। नेक्स्ट टॉपिक हम जाते हैं एडवांस फिल्टरिंग। हमने लास्ट सेशन में फिल्टरिंग देखा था, डेटा को कैसे फिल्टर करके हम पर्टिकुलर डेटा या पर्टिकुलर कॉलम्स सॉरी पर्टिकुलर रोज हम किस तरह से लेके आ सकते हैं, थाउजेंड्स ऑफ डेटा में से पर्टिकुलर रोज ही मुझे चाहिए जो मेरे को रिक्वायरमेंट है तो किस तरह से फिल्टर करके लेके आ सकते हैं मैं देख रहा था। लेकिन काफी ऐसे फिल्टरिंग है जो हम वहाँ पे नहीं कर पाए, तो कुछ और एडवांस फिल्टरिंग है जो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे एक फिल्टरिंग मैं आपको बताता हूँ सिंपल सा, कि मेरे को इसमें वो स्टूडेंट्स चाहिए जिसके मार्क्स आइदर 45 से बिलो है या फिर 100 से अबव है और 90 से अबव है, वो मुझे स्टूडेंट चाहिए, मुझे एक्सेप्शनल केस वाले स्टूडेंट चाहिए, आइदर वेरी इंटेलिजेंट और कुछ मिस्टेक डेटा एंटर हुआ तो वो, और या फिर ब्रिलियंट स्टूडेंट्स इट इज अबाउट
नहीं, तो ये हमारा डेटा वैलिडेशन था, किस तरह से हमने डेटा को वैलिडेट किया डिफरेंट डिफरेंट वे से। नेक्स्ट अभी हम देखते हैं फिल्टर्स, हमने लास्ट सेशंस में देखा था, इस बार भी हम कुछ बेसिक फिल्टर्स और एडवांस फिल्टर्स देखते हैं जिससे डेटा को और हम अच्छे से फिल्टरिंग करके एज पर हमारे रिक्वायरमेंट हम डेटा को गैदर कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने फिल्टर्स पे क्लिक किया तो ये सारे देखो आपके फिल्टर्स आ गए, रोल नंबर है, नेम है, मिडिल नेम है, बॉय और गर्ल का स्ट्रीम के फिल्टर्स है और यहाँ पे परसेंटेज इन टोटल स्टैंडर्ड 10। यहाँ पे अगर हम नंबर फिल्टर्स में जाते हैं तो हमने ये जरूर देखा था इक्वल टू फिल्टर्स मुझे ग्रेटर देन पर्टिकुलर वैल्यू चाहिए, लेस देन पर्टिकुलर चाहिए, टॉप मुझे वैल्यू चाहिए, बट हम यहाँ पे कस्टम फिल्टर्स में जाते हैं। मुझे पर्टिकुलर ये डेटा चाहिए इस बार कि कौन से स्टूडेंट्स है जो बहुत ज्यादा वीक है स्टडीज में, दैट इज बिलो 50 है आइदर, या फिर मुझे वो स्टूडेंट्स की लिस्ट जाके जो बहुत इंटेलिजेंट है या रॉन्ग डेटा है जिसके मार्क्स और परसेंटेज 90 से अबाउट। सो इन दिस सिचुएशन हम क्या करें, हम यहाँ पे कह देंगे कि मुझे ये चाहिए डेटा जो लेस देन 50 हो। दिस टाइम ऑलवेज हम एंड का यूज करते हैं कि दिस एंड दिस, दैट इज अ रेंज हो गया, बिटवीन हो गया कि दिस एंड दिस, इसके बिटवीन जो डेटा हो लाके दो। लेकिन दिस टाइम हम यहाँ पे करेंगे और कि आइदर मुझे वो डेटा लाके दो जो लेस देन 50 है या फिर मुझे वो लेकर डेटा लाके दो जो ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 है। सो ये हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया, तो ये देखिए ये जो बिलो 50 है वो आ गया और ये कुछ डेटा है जो रॉन्ग है, किसी के परसेंटेज मोर देन 100 नहीं हो सकते। So, ये आपका 123 और 323। सो ये है आपका एक फिल्टर जिसमें हम बेसिकली हम कस्टम फिल्टर्स में दो यूज करते हैं, आइदर एंड का यूज करते हैं और का यूज करते हैं। जब हमें बिटवीन यूज करना हो तो दिस बिटवीन दिस एंड दिस तो हम एंड यूज करते हैं नॉर्मली, बट कुछ एक्सेप्शनल हो कि आइदर दिस और दिस हमें चाहिए तो हम और के फिल्टर्स का यूज करेंगे। कुछ और फिल्टर्स भी है यहाँ पे एडवांस, मैं पहले इसको क्लियर कर देता हूँ और नॉर्मल ले आता हूँ डेटा। ओके, अभी हमें एडवांस फिल्टरिंग देखते हैं जिसमें मुझे पर्टिकुलर ये चाहिए कि ये जो डेटा है सीट है उसमें से कोई पर्टिकुलर मुझे जो रोज है डेटा है वो अलग से मुझे रोज में चाहिए ताकि मैं डेटा को उसको एनालाइज कर सकूँ। ओके, सो यहीं पे मुझे डेटा फिल्टर नहीं करना है बिकॉज यहाँ डेटा फिल्टर करने से ये डेटा जो रिमेनिंग डेटा है वो मेरा हिडन हो जाता है और मुझे चाहिए ये डेटा भी चाहिए एज वेल एज जो मेरे को जो पर्टिकुलर डेटा चाहिए वो अलग से नए रोज में आना चाहिए। सो आई कैन एनालाइज दीज डेटा। सो हम कैसे करें, ठीक है, तो हमें पर्टिकुलर एनालाइज करने के लिए मैं रोल नंबर वाइज करूंगा कि मुझे ये पर्टिकुलर रोल नंबर चाहिए, मैं वो ऊपर ले लेता हूँ। देन मुझे फर्स्ट टाइम चाहिए स्टूडेंट का, तो मैंने यहाँ पे कॉलम फर्स्ट कॉलम ले लिया। मुझे सारा डेटा नहीं चाहिए, सारी कॉलम्स भी नहीं चाहिए, सो जो मुझे कॉलम चाहिए वही मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, मैं स्ट्रीम कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। ओके, अब मेरी रिक्वायरमेंट ये है और साथ में परसेंटेज ऑफ स्टैंडर्ड भी मिल गया। ओके, अब मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मैं जो रोल नंबर्स डालूं सिर्फ मुझे उसी रोल नंबर का डेटा मिलना चाहिए। सो माय रिक्वायरमेंट इज 1, 4, and 7 रोल नंबर। सो अब 1, 4, and 7 रोल नंबर के नेम, स्ट्रीम एंड उसके कितने परसेंटेज है वो मुझे यहाँ पे आउटपुट में चाहिए। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एडवांस में जाऊँगा। एडवांस में आपके पास यहाँ पे आप देखिए ऑप्शन देखिए कि आपको फिल्टर की लिस्ट चाहिए इन सेम प्लेस, नहीं मुझे इसकी अनदर प्लेस में कॉपी करनी है। क्या कॉपी करना है, लिस्ट ऑफ रेंज कहाँ से है, तो मैं यहाँ पे इस डेटा को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिस्ट ऑफ रेंज को सिलेक्ट करता हूँ कि ये जो लिस्ट ऑफ रेंज ऑफ मेरे पास डेटा है उनमें से मुझे पर्टिकुलर डेटा चाहिए। क्या डेटा चाहिए, क्राइटेरिया क्या है, तो क्राइटेरिया मुझे हेडिंग सिलेक्ट करनी पड़ेगी कॉलम की प्लस जो जो मुझे डेटा चाहिए वो मैं सिलेक्ट करूँगा। ये मेरा क्राइटेरिया है कि हेडिंग रोल नंबर में 1, 4, and 7 मुझे डेटा चाहिए और देन वो डेटा कहाँ चाहिए, तो आप अलग सीट में भी ले सकते हैं नहीं तो सेम सीट में जैसे मैंने लिया है और यहाँ पे मैं कुछ हेडिंग्स को सिलेक्ट कर देता हूँ कि ये डेटा मुझे इस कॉलम में और ये कॉलम के नेम से कॉपी होना चाहिए। देन ओके, ये देखिए रोल नंबर फर्स्ट का नाम सिद्धार्थ है, 4 का नाम जिनसन है, 7 से प्राची और उसी की स्ट्रीम्स आ गई और उसी के परसेंटेज मार्क्स आ गए। सो ये बहुत सिंपल था कि आप पर्टिकुलर डेटा, पर्टिकुलर रोज एंड पर्टिकुलर कॉलम अलग से अगर आपको फाइंड आउट करने हो तो आप एडवांस फिल्टर्स में जाके बहुत अच्छे से उसको निकाल सकते हैं। अब इसी के अंदर और भी बहुत सारे क्राइटेरिया है जो मैं आपको सिखाता हूँ। मुझे पर्टिकुलर वही स्टूडेंट्स चाहिए, दिस टाइम मुझे पर्टिकुलर वही स्टूडेंट्स चाहिए जिनके परसेंटेज
70 से अबाव है। सो ये जो कॉलम है मेरी क्राइटेरिया कॉलम है, और ये मेरी जो रिमेनिंग जो कॉलम है वो मेरा डेटा है। ओके, सो यहां पे देन अगेन एडवांस फिल्टर में लिस्ट ऑफ कॉलम, तो यहाँ पे देखो ऑलरेडी सिलेक्टेड आ गया, बट फिर भी अगर आप नहीं है तो एक कॉपी टू अनदर लोकेशन एंड आप अगेन से आप सिलेक्ट कर लीजिए। आई थिंक क्लिक नहीं है यहाँ पे, ओके देन यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ सिलेक्ट, और देन क्राइटेरिया रेंज। सो क्राइटेरिया रेंज दिस टाइम मेरा ये है कि ओके क्राइटेरिया रेंज मेरा ये है कि इट शुड बी ग्रेटर देन 70, जो स्टूडेंट 70 से अबाव है सिर्फ उसी का डेटा आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं जस्ट अ मिनट, ये मिस्टेक हो गया, ये पहले अपने को हटाना पड़ेगा और देन यहाँ पे क्राइटेरिया अपने को पहले मेंशन करना पड़ेगा ग्रेटर देन 70, और वी कैन राइट ग्रेटर देन इक्वल टू 70, सो 70 वाले को भी वहाँ पे कंसिडर कर लेगा। और ये जो ऑलरेडी जो प्रीडिफाइंड डेटा है इसको हम पहले यहाँ पे रिमूव कर देते हैं और यहाँ क्राइटेरिया निकल ग्रेटर देन 70 क्राइटेरिया एंटर कर। कुछ डेटा वैलिडेशन यहाँ पे ऑलरेडी है, सो वी डू वन थिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ कॉलम्स में डेटा वैलिडेशन आ रहा है आई थिंक बाय मिस्टेक। सो डेटा वैलिडेशन में जाके बिकॉज हमने कॉपी पेस्ट किया था तो बाय मिस्टेक आ गया क्लियर ऑल और ओके ओके, सो आपको वैलिडेशन नहीं है। सो नाउ कॉपी टू एडवांस लोकेशन और लिस्ट रेंज के अंदर हमने लिस्ट सेलेक्ट कर ली, क्राइटेरिया वापस हम लिखना रह गया बाय मिस्टेक, सो इट्स ग्रेटर देन 70, हमने क्राइटेरिया रेंज लिख दिया। सो अगेन हम वापस से स्टार्ट करते हैं एडवांस और यहाँ पे कॉपी टू अनदर लोकेशन लिस्ट हम सिलेक्ट करते हैं, लिस्ट रेंज में रोल नंबर से लेकर मार्क्स तक। क्राइटेरिया हमारा ये है कि इट्स हेडिंग प्लस आपका क्राइटेरिया, और कॉपी टू कहाँ कॉपी करना है तो वो हम सिलेक्ट कर लेते हैं जे से एल तक, और आप इतना भी ऐसे भी कर सकते हैं, तो इतना भी करोगे तो ऑटोमेटिकली डेटा आपका नीचे ड्रॉप डाउन हो जाएगा। सो ये 7 स्टूडेंट्स है, सिद्धार्थ, ईश्वर, जिंसन, आर्यन, वरुण, प्राचीन, सुविधा, जिसके मार्क्स और एवरेज परसेंटेज मोर देन 70 है। सो बहुत सिंपल है, जो हमें सभी डेटा भी आ रहा है और एज वेल एज पास में हमें जो पर्टिकुलर रोज एंड कॉलम रिक्वायर्ड है वो भी हमारे पास आ रही है। सेम वे से आप यहाँ पे जैसे हमने लास्ट सीखा था 10 मिनट्स पहले कि हम एंड और कंडीशन लगा सकते हैं, तो यहाँ पे भी हम एंड और कंडीशंस का भी यूज करेंगे, सो थोड़ा और एडवांस फिल्टरिंग हो जाएगा। एंड कंडीशन ये है मेरी कि मुझे वही स्टूडेंट्स चाहिए जिनका परसेंटेज 70 से अबव है, प्लस उनकी जो स्ट्रीम है वो भी साइंस होनी चाहिए। सो मैं यहाँ पे स्ट्रीम में साइंस टैग कर देता हूँ। सो डेटा वैलिडेशन, डेटा आप कुछ भी कॉपी पेस्ट करते हैं तो डेटा वैलिडेशन भी चला जाता है, बिकॉज मैंने यहाँ पे वैलिडेशन लिखे रखा है। सो वैलिडेशन हटाने के लिए मुझे यहाँ पे क्लियर ऑल करना पड़ेगा। ओके, सो नाउ आई नीड टू टाइप अगेन साइंस। ओके, अब मेरा क्राइटेरिया है कि मुझे वही स्टूडेंट चाहिए जिसके मार्क्स 70 से अबव है, प्लस उनका जो परसेंटेज है वो मोर देन 90 होना चाहिए। सो बेसिकली कुछ रॉन्ग डेटा है वही आने वाले हैं, बिकॉज हमें पता है कि साइंस स्ट्रीम के जो स्टूडेंट है मोर देन 90 वाले, एक 123 है, दूसरा 323 है और जो है वो नहीं है। सो ये डेटा मैं क्लियर कर देता हूँ और यहाँ पे सेम अगेन एडवांस कॉपी टू लोकेशन डेटा रेंज
रेंज हमारी सिलेक्टेड है, सही है, फिर भी आप सिलेक्ट कर लीजिए, कोई मिस्टेक ना रहे। और क्राइटेरिया है, जिस टाइम क्राइटेरिया चेंज हो जाएगा, क्राइटेरिया तो कॉलम हेडिंग और उसकी क्राइटेरिया सिलेक्ट, ये एंड हो गया। दिस मीन्स क्या हुआ कि मुझे वो स्ट्रीम चाहिए जो साइंस है, प्लस उस साइंस में भी वो परसेंटेज चाहिए जिसकी 90 से अबव है, और कॉपी कहाँ होना चाहिए, सो उसके लिए मैंने यहाँ पे जे से लेकर हेल्थ तक सिलेक्ट कर लिया। सो दो स्टूडेंट्स है जो साइंस स्ट्रीम के हैं, एज वेल एज उसके परसेंटेज मोर देन 90 है। अब मुझे ये चाहिए कि आइदर मुझे वह स्टूडेंट्स की लिस्ट ला के दो जो साइंस स्ट्रीम के हैं, और मुझे वो स्टूडेंट्स ला के दो जिनके 90 से अबव परसेंटेज आया, या फिर नॉट 90, आई कैन से 80 अबव। सो दिस टाइम मैं क्या करूंगा, स्ट्रीम साइंस यहाँ लिखूंगा और ग्रेटर देन 80 इसके नीचे कॉलम में, नीचे वाली रो में। सो अब ये हमारा और कंडीशन हो गया कि आइदर साइंस है तो भी चलेगा, कुछ भी परसेंटेज हो नो इश्यू, प्लस 80 अबव वाले जो भी स्ट्रीम के या जो भी परसेंटेज के स्टूडेंट है वो भी चलेंगे, स्ट्रीम कोई बार नहीं है। ओके, ट्राई करते हैं। सो कॉपी टू अनदर लोकेशन, रेंज रेंज में सिलेक्ट कर ली, क्राइटेरिया क्राइटेरिया में चेंज कर देता हूँ, क्राइटेरिया मेरा है एच से आई, और कॉपी टू लोकेशन मेरा जे से एल तक है। ओके, ये देखिए 4 स्टूडेंट्स है जो आइदर 80 अबव परसेंटेज है, स्ट्रीम कुछ भी होगी चलेगी, और 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो साइंस स्ट्रीम से हैं और परसेंटेज इट में भी अगर 80 अबव नहीं भी होते तो भी उनके मार्क्स वहां पे डिस्प्ले हो जाते हैं। सो ये था हमारा एंड और अब हम एंड और दोनों का यूज करते हैं। मुझे ऐसा चाहिए कि साइंस स्ट्रीम के जो भी स्टूडेंट्स हैं 90 अबव होने चाहिए, और कॉमर्स स्टूडेंट कॉमर्स स्ट्रीम के जो भी स्टूडेंट्स है इट शुड बी ग्रेटर देन 69, और आर्ट्स स्ट्रीम के जो भी स्टूडेंट्स है इट शुड बी ग्रेटर देन 70। अगेन रिस्ट्रिक्शन इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, कहीं ना कहीं परेशान कर रहा हूँ। ओके, और यहाँ मुझे चाहिए आर्ट्स स्ट्रीम के जो स्टूडेंट्स है इट शुड बी ग्रेटर देन 60। ओके, सो और ये जो डेटा है मैं यहाँ पे क्लियर कर देता, और अब हम वापस से ट्राई करते हैं। एडवांस कॉपिटल लोकेशन रेंज क्राइटेरिया रेंज क्राइटेरिया में सिलेक्ट कर लेता हूँ एच से लेकर आई 6 तक, और कॉपी लोकेशन जे 2 से एल 2 है। ओके, सो देयर आर 7 स्टूडेंट्स जो इनका ये क्राइटेरिया है कि साइंस वाले होने चाहिए वो भी 80 अबव, कॉमर्स वाले होने चाहिए 69 अबव, एंड आर्ट्स वाले होने चाहिए 60 अबव। सो ये क्राइटेरिया मतलब ये एंड भी है और भी है, साइंस प्लस 90 अबव एंड हो गया, या फिर कॉमर्स एंड 69 और आर्ट्स एंड 60। सो ये हमने एंड और दोनों कंडीशन का यूज करके पर्टिकुलर डेटा जो हमें चाहिए था हमने लिस्ट आउट करके देखा। ओके, और भी कुछ फिल्टरिंग है, जैसे मुझे ये चाहिए कि मुझे वही स्टूडेंट्स के नाम चाहिए मुझे वही स्टूडेंट्स के नाम चाहिए जिसका लास्ट नेम एस से स्टार्ट होता हो। सो मेरा क्राइटेरिया होगा एस स्टार, स्टार मीन्स एस के बाद जो भी लेटर्स होंगे वो चलेंगे, बट फर्स्ट लेटर शुड बी एस। सो यहाँ पे हमने एडवांस फिल्टरिंग में गए, कॉपी टू मिडल लोकेशन, रेंज हमने सिलेक्ट कर लिया, क्राइटेरिया हम चेंज कर देते हैं, क्राइटेरिया हमारा है आई 2 से 3, कॉपी टू
ओके सो यहाँ आप देख सकते हैं सिर्फ 3 स्टूडेंट्स है जिसके नेम लास्ट टाइम एस से स्टार्ट हो रहा है. इट इज सिद्धार्थ जिसका सरनेम है सेठिया. सेकंड इज अमित जिसका सरनेम है सुराना. एंड थर्ड इज निहाल जिसका सरनेम है शाह. सो ये 3 स्टूडेंट्स है जो एस से स्टार्ट होते हैं यहाँ पे. सेम वे से आप यहाँ देख सकते हो स्टार आर के. इट मीन्स क्या हुआ कि कोई भी नेम लास्ट नेम कोई भी लेटर से स्टार्ट हो बट उसका जो एंडिंग कैरेक्टर है इट शुड बी एंड विद के ऑन. सो ये हम यहाँ पे एडवांस रेंज और ओके. सो देयर आर 4 स्टूडेंट्स हुज नेम एंड विद के. It is yes. Second is a Varun. Third is a Prachi. ये end with A नहीं है. Okay, उसको चलो डिलीट करते हैं. देन अगेन हम लोग वर्कआउट करते हैं. कॉपी डेस्टिनेशन जस्ट हम इस तीर कर करते हैं. सो रेंज आई वांट फ्रॉम दिस टू दिस. क्राइटेरिया आई वांट इज दिस वन स्टार के. लास्ट कॉपी इज रेंज टू दिस फ्रॉम जी टू. ओके सो यहाँ पे लास्ट टाइम जो है वो पर्टिकुलरली ओके ठीक है. स्टार मींस के स्टार्टिंग में जो भी लेटर से चलेगा बट ओके गाइस तो ये था हमारा एडवांस फिल्टरिंग कि किस तरह से हम पर्टिकुलर डेटा पर्टिकुलर रोज एंड कॉलम्स को हम फिल्टर करके लेके आ सकते हैं. सो आप इसको प्रैक्टिस कीजिए. जब आपके पास थाउजेंड्स ऑफ डेटा होंगे उसमें से पर्टिकुलर डेटा अगर आपको निकाल के लाने हो पर्टिकुलर कॉलम्स लेके आने हो बहुत अच्छे से आप फिल्टरिंग को यूज कर सकते हैं. सो नेक्स्ट सेशन में हम और भी कुछ एडवांस डेटा एनालिसिस वाले पार्ट देखेंगे जैसे व्हाटएप एनालिसिस है डेटा वैलिडेशन तो हो गया कंसोलिडेटेड है ग्रुप है सब टोटल्स है और भी कुछ एग्जांपल सीट्स है हमारे पास जो हम देखने वाले. सो गुड बाय.